संदीप घोषाल जो टारगेट थी उसको सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगा। हाँ सुना है, फिर वो तो डिवीजन बेंच में अप्लाई करने के लिए चला गया तो सीबीआई ना हो। आपको क्या लगता है जो इस जो घटनाक्रम में जिस तरह का से संदीप घोष के ऊपर ब्लेम आ रहा है वो क्या उस तरह का आदमी है? ये हमको उसके साथ तो हम लोग बात नहीं हो पाए। जिस दिन इस घटना घटी थी उस दिन में भी जरूरत पड़े थे उसको, उनको हमको बुला रहा था। फिर स्टूडेंट लोग बोला नहीं 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 वो आपको आपके पास कोई नहीं जाएगा, आप इधर आइए। फिर आया था लेकिन हमसे कोई बात नहीं की। आप लोगों का ये जो डिसीजन हाईकोर्ट ने दिया ये सही मानते हैं आप? जांच होना चाहिए इसका। सब कुछ तो सब एक नागरिक होने के नाते सब तो सबको तो लगता है जो सब ठीक ठाक चले, लेकिन ठीक ठाक नहीं चल रहा है ये तो हम सब लोग देख रहा है, सबका अभी मालूम पड़ गया। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में उठ के आ रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में जाके सीबीआई ने बताया है, इसको लेके आप लोगों का क्या बोलना है? सीबीआई भारत के सबसे बड़ा और अच्छे एजेंसी है जो सब काम निपटाते हैं, लेकिन ये काम में जो 10 दिन उन्होंने चार्ज लिया अभी तक कोई तो अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। कि हम मांगेंगे कि उसके साथ वो आप जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दें। अजीकर मेडिकल कॉलेज में जो धरना मंच में आप लोग जाने के लिए सोच रहे हैं उन लोगों के साथ बैठेंगे क्या? जरूरत पड़े तो जाएंगे। अभी तक डिसीजन नहीं ले लिया? अभी तक डिसीजन ले लिया, जरूरत पड़े तो उसका पता हम लोग तो पहले से ही है और रहेंगे। जैसे जो भारत विरोधी पार्टी जो बोल रहे हैं जो ममता बनर्जी का यहाँ पे उसको पदत्याग करना चाहिए, आप लोगों को क्या? ये पूरा राजनीति का विषय है, वो राजनीति दल समझेंगे, हम तो कोई बात नहीं है। आपका इस घटना को लेके जिस तरीके से जो जिस पोजीशन से आप लोग मांग रहे हैं जस्टिस, उस पोजीशन की आपके साथ भी बैठे जस्टिस मांग रहे, इसको क्या बोलना चाहेंगे? ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो जिसको जस्टिस देना चाहिए था उन्होंने जस्टिस देने तो काम ठीक से नहीं किया, जस्टिस देने का काम तो नहीं किया ना, ये तो हमको ठीक नहीं लगा, इसलिए तो हम सीबीआई के पास दिया है, हाईकोर्ट में दिया था। 27 तारीख जो है 24 तारीख जो है सब प्रेस क्लब से बहुत थोड़े आर्मी एक्स आर्मी जो है सब लोग आंदोलन में निकलने की हटने की बात की है। आप जो इस मेरा लड़की के बारे में आंदोलन में निकलेगा हम हर वक्त उसका पास है, उसको बधाई भी देंगे। अभी तक तदंत में जो उठ के आ रहा है जो एक ही नाम आप लोग देख रहे एक आदमी का ही काम नहीं, एक आदमी का काम नहीं है और भी है, इसका डिपार्टमेंट में ही है, डिपार्टमेंट का आदमी माल छोड़ के ये काम संभव नहीं है। जो काम किया है जो गलत काम किया है डिपार्टमेंट का लोग इसके अंदर है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए संजय राय को ले जा रहा है, आपको क्या कहना है जी? पॉलीग्राफ टेस्ट करने से कुछ सब क्या है हम लोग का कोई मालूम नहीं है, कोशिश हो रहा है सीबीआई कोशिश कर रहा है क्या क्या सांस लेके उगलने का उससे यही है। अब तक जब इन्वेस्टिगेशन किया है तो सीबीआई ने आपको क्या लगता है? अभी तो कोई रिजल्ट हमको पास नहीं आया ना, ये तो आप भी देख रहा है, जो चीज आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं। अस्पताल में जैसे हायर एजुकेशन में जिस तरीके से पैसा का जो सेमिस्टर, ये तो बहुत गलत काम है, लेकिन होता था। जो घटना सामने आ रहा है वो सही है, ये तो सही है ही, नहीं तो सामने कैसे आ रहा है? आपको क्या लगता है जी जो अबकल बेटी को जिस तरीके से मारा गया है ये प्रीप्लान था, इसका कारण क्या? वो सब कुछ जान चुका था इसके लिए, ये इसके बारे में हमको कोई पता नहीं है, हमको के पास साथ कोई इसके बारे में कोई बात ही नहीं है। कभी आके घर में कुछ बोला जो नहीं, जैसे तो उस टाइम में तो हम बोलते तो कॉलेज को एमडी करने का जरूरत पढ़ने का जरूरत नहीं है, घर में बैठ गया। ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहा है हर कोई, नहीं इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, राजनीति के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी जांच बैठेगा, फिर भी तो उसने डर गया इसलिए तो डिवीजन बेंच में चला गया। ओके थैंक यू।